पाठ 12 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, तो ये पहला ही चैप्टर का है रियल नंबर का विभाजन एल्गोरिथम। तो रियल नंबर हम शुरू लगभग कर दिए हैं उसमें, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है पहले इस पर आओ। विभाजन का मतलब बंटवारा है ना। अगर मान लो हम 22 को बांटते हैं 5 भाग में तो कितना होगा, यानी 22 को 5 भाग में विभाजित करो, इसका अर्थ ये हुआ। तो 22 को 5 भाग में कैसे विभाजित करेंगे, 22 में 22 को 5 भाग में विभाजित कीजिए, यानी 5 भाग में अर्थात 5 से भाग दो 22 में, तो 5 भाग मिल जाएगा। इसको हम लोग भाग देते हैं, मान लो 22 इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20 होगा ना, घट जाएगा तो बच गया 2। तो ये 22 में भाग दिए हैं, तो तुम लोगों को ये मालूम होगा बीच वाला को भाज्य कहते हैं, शुरू वाला को भाजक, अंत वाला को भागफल, इसको शेष या शेषफल। यही ना। तो अगर हम 5 को 4 से गुना करें, मान लो 5 × 4 इसमें 2 जोड़ दे तो कितना होगा, 5 तो का 20 आ 2 22। ये 5 क्या है, भाजक है, ये हो गया भाजक गुना 4 क्या है भागफल, तो भागफल जोर 2 क्या है शेष, तो शेष या शेष फल, 22 क्या है भाज्य। तो इस तरह हम लोग को एक परिभाषा मिल जाता है जी। इसी का नाम है विभाजन एल्गोरिथम, यानी हम अंश को हर से विभाजित करते हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला प्राप्त होता है, जिस फॉर्मूले को कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथम। समझा, विभाजन एल्गोरिथम का अर्थ हुआ दी गई संख्या को आप किससे विभाजित करते हैं और विभाजित करने पर जो सूत्र प्राप्त होता है, इसी सूत्र का नाम है विभाजन एल्गोरिथम। याद रहेगी बात। तो भाज्य को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेष फल को आर से। इसका मतलब हो गया भाजक यानी बी गुने भाग फल क्यू जोर शेष आर बराबर भाज्य को ए। तो इसको कह सकते हैं इसीलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया एक फार्मूला, ये भी हो गया एक फार्मूला, इसी का काम है तुम लोगों को, इसलिए इसी को हूबहू लिख लो। ये चोरी हुआ समझाने के लिए लिखो। तुम लोगों को आगे वाला चैप्टर में भाग सीखना है, भागा जनरल भागा नहीं वेरिएबल वाला। जैसे मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, पता है ना। तो इसका अर्थ है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए एक को पोस्ट रखो, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और क्या होगा बोल, बटा में ए प्लस बी। तो ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देंगे तो इतना आना चाहिए, तो ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो इतना आंसर चाहिए।
ये प्लस बी से भाग देना है, इसमें पहला पद मिलाना है, समझा? पहला पद ए स्क्वायर है, भाज्य का पहला पद ले लो, भाजक का पहला पद लो, भाज्य बीच वाला है, इसको क्या कहेंगे संक्षेप में? ए, ऐसे याद रखना। ये हो गया भाज्य भागफल, ये हो गया भाजक। इसके बाद इसको इसको गुना करके यहाँ लिखते हैं, तो भाजक गुने भागफल, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाते हैं तब प्राप्त होता है शेष या शेषफल। इसको कहते हैं ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। भाजक गुने भागफल दो शेष बराबर भाजी। अगर मान लो हम 55 में से 27 घटाते हैं तो कितना होगा? 28 होगा। तो इसका अर्थ है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 55 माइनस 27 बराबर 28। इधर भी भुला जाओ, इधर भी भाज्य में से ये दोनों घटाते हैं तो हमको शेष प्राप्त होता है। जैसे ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाते हैं तो ये प्राप्त होता है, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाए तो ये प्राप्त हुआ। इसी तर्ज पर इसको हम लिख सकते हैं, भाज्य में से ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाओ, यानी भाज्य में से घटा देंगे भाजक गुने भागफल। ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाए तो 28 प्राप्त हुआ, भाज्य में से भाजक गुने भागफल घटाए तो शेष प्राप्त हुआ। तो बराबर शेष लिख सकते हैं, बोलो। अब भाज्य को रहने देंगे बराबर शेष, ये उठ करके माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा भाजक गुने भागफल। इसको लिख सक, भाज्य को क्या लिखते हैं? ए, शेष को आर, भाजक को बी, भागफल क्यू। इसलिए ए बराबर इसको पहले लिख सकते हैं बी गुने क्यू बी क्यू, और ये प्लस है प्लस आर, तो वही फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसको ऐसे भी देखो, भाजक को भागफल से गुना करेंगे और जोड़ देंगे शेष, तो बराबर ए हो जाता है, यानी बी को क्यू से गुना करो बी क्यू, और इसमें जोड़ देंगे आर, तो ये हो जाता है ए के बराबर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही बात आती है सामने में जी। इसको याद रहेगा, याद कैसे रहेगी? इसको 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 और इसमें जो संबंध है, तो देखो बी, इसके बाद ए, तब है क्यू, अंत में आर, इसको पढ़ो, ये हो गया बाकर, ना तो याद रखना बाकर। पहले बी लिखाएगा, फिर लिखाएगा ए, फिर लिखाएगा क्यू, अब जगह नहीं है तो अंत में यहाँ दे देंगे आर, तो याद रहेगा ना? ऐसा ना ए यहाँ दे देना बी यहाँ दे देना, याद रखना बाकर, विभाजन एल्गोरिथम का नाम है बाकर, ऐसे याद रखना, क्या कंफ्यूजन नहीं होगा? भागा में नियम यह है, भाज्य का पहला टर्म लो और भाजक का पहला टर्म लो, अलग से भाग लो। ये ए स्क्वायर है, इसमें ए से भाग दो, ये ए गुने ए बटा ए, ए कट गया बराबर ए हुआ,
तो पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वही यहाँ लिखेंगे। यानी कि कैसे शुरू करेंगे, समझ रहा है? अब इसको इस दोनों से गुना करेंगे, ए को ए से गुना करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 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 ए को बी से गुना करेंगे, ए बी। अब लग रहा है जो बेस ऑफ अलजेब्रा में जो गुना बतला है इसका काम यहाँ आ रहा है, है ना? तो ये सब सीखना है जरूरी, जरूरी ही नहीं, ये नहीं सीखोगी तो आगे गणित में कोई काम ही नहीं होगा। ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाते हैं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। देखो ये आइए कट गया, प्लस टू ए बी माइनस ए बी, ए बी हुआ, ऊपर वाला उतार दो बी स्क्वायर। उतारने के बाद जो प्राप्त होगा उसमें भी पहला पद लेंगे और भाज्य के पहला पद से भाग देंगे। तो पहला पद है ए बी, अब भाजक का पहला पद ए, ए ए कट गया, बच गया बी, बी बचा यानी प्लस बी बचा। यहाँ पर घटाओ भुला रही है रे वीरेंद्र की बेटी। अब समझे, इसको समझे, तो प्लस बी देंगे आगे, अब जो अभी लिखे हैं उसी से, सिर्फ पीछे प्लस नहीं, उसी से दोनों को गुना करो, प्लस प्लस प्लस, इसके पीछे भी प्लस है, बी को ए से गुना करेंगे, ए बी प्लस प्लस प्लस, बी को बी से गुना करेंगे, बी स्क्वायर। हटाएंगे ऊपर वाला में नीचे वाला माइनस माइनस, देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेष बचा जीरो। भागा सीखना है, हम मिटाते जाते हैं, लिखो नहीं खाली सीखो, उतारोगी? हाँ एक्स प्लस तीन को गुना करो एक्स माइनस तीन से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तर्ज पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर माइनस तीन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस तीन किया नौ। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस नौ में इससे भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा, इससे भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा। जैसे मान लो पाँच गुने तीन बराबर पंद्रह, पंद्रह में पाँच से भाग देंगे तो तीन मिलेगा और पंद्रह में तीन से भाग देंगे तो पाँच मिलेगा, शंका नहीं है? तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन में मान लो इसी से भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इससे भाग देते हैं एक्स माइनस तीन से, तो दोनों में दो रहे, एक रहे, दस रहे, बीस रहे। भाज्य का पहला पद लेंगे और भाजक का पहला पद लेंगे, पहला पद में पहला से भाग दो, एक्स का पावर दो बटा एक्स बराबर एक तो एक्स होगा, तो इसका मतलब एक्स से भाग देंगे, तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, प्लस है माइनस माइनस, एक्स को तीन से गुना करेंगे थ्री एक्स, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाओ, इसका भी चिन्ह बदलेगा, ये कट गया तो यहाँ क्या बचा, थ्री एक्स माइनस नाइन प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन। अब पहला पद लो, इसका भी पहला पद लो, तीन एक्स में एक्स से भाग दो, तीन बचा, तीन का मतलब प्लस तीन बचा, यहाँ लिखेंगे चिन्ह सहित प्लस तीन, अब प्लस तीन से इन दोनों को गुना करो, प्लस प्लस प्लस, तीन को एक्स से गुना करेंगे, तीन एक्स प्लस माइनस माइनस, तीन किया नौ, शून्य। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन में एक्स माइनस तीन से भाग दिए तो एक्स प्लस तीन मिला। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन में
x प्लस तीन से भाग देंगे तब कितना होगा, तो पहला पद लेंगे x स्क्वायर, इसका पहला पद x, तो x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो x प्राप्त होगा, तो यहाँ x लिखेंगे, x को x से गुना करो x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस x को तीन से गुना करेंगे तीन x, अब हटाएंगे तो ये कट गया, ये हो गया माइनस तीन एक्स माइनस नौ, अब फिर पहला पद में पहला पद से भाग देंगे माइनस तीन एक्स में x से भाग दो, x कट गया तो माइनस तीन बचा, यहाँ पर उतारेंगे माइनस तीन, माइनस तीन को दोनों से गुना करो माइनस प्लस माइनस तीन को एक से गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस तीन दिया नौ, चिन्ह बदलेगा कट दिया जीरो, समझ रही है हल्का है भागा। मान लो पहले अपने से गुना करते हैं, थ्री एक्स माइनस फाइव को टू एक्स प्लस तीन से गुना करेंगे, तीन दूनी छः एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस पाँच दूनी दस एक्स प्लस 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 तीन किया नौ एक्स प्लस माइनस माइनस पाँच किया पंद्रह, ये हो गया छः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पंद्रह, इसका मतलब है अगर हम छ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पंद्रह इसको तोड़ेंगे गुणनखंड में तो हमको तीन एक्स माइनस पाँच और टू एक्स प्लस तीन आएगा, दोनों को गुना करने पर इतना आया है, दोनों को गुना करने पर इसका अर्थ है इसमें से इससे भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा, इसमें इससे भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा, होगा क्यों होगा बोलो, हमें मिला दी लेकिन क्यों होगा, ये सब बतला चुके हैं, कोई भी पद मान लो 20 लिखते हैं तो 20 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, तमाम गुणनखंड लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं 4 5 20, तो इसको तू बराबर के पहले वाला को 20 मान लो, और 4 हो गया पहला कोस, अब 20 में गुना है 5 हो गया दूसरा, इसका अर्थ हुआ 20 में तू 4 से भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा, बोल जी, अब 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा, यानी इतना में इतना से भाग देंगे तो ये प्राप्त होना चाहिए और इतना में इससे भाग देंगे तो ये प्राप्त होना चाहिए, तो दोनों भागा देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पंद्रह इससे भाग देते हैं थ्री एक्स माइनस फाइव से, तो भागा का नियम भाज्य का पहला पद भाजक का पहला पद से भाग दो, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर में भाग दो तीन एक्स से, तीन दूनी छ एक्स स्क्वायर है एक्स एक्स स्क्वायर को काटेगा तो एक्स होगा जी, यानी प्लस टू एक्स हुआ तो चलो टू एक्स, कैसे भागा शुरुआत करेंगे समझ रही है ना जी, तो तीन एक्स को दो एक्स गुना करो तीन दूनी छः एक्स एक्स को गुना किए एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस दो पंचे दस एक्स माइनस यहाँ प्लस ये कट गया ये उतर गया नाइन एक्स माइनस पंद्रह, अब इसके इसमें पहले पद में पहला पद से भाग दो नाइन एक्स में से थ्री एक्स से भाग देंगे एक्स एक्स कट गया तीन किया नौ तीन का मतलब प्लस तीन तो प्लस तीन से भाग दो प्लस 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 तीन किया नौ एक्स
प्लस माइनस माइनस तीन पंचे पंद्रह, तीन बदलेगा घटों में, कट करके जीरो हो गया। जी। देखो अभी हम तुरंत बोले हैं इसमें अगर इससे भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ। जी। इसी तरह इसमें इससे भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पंद्रह में भाग देना है इससे ना, टू एक्स प्लस तीन से, तो सिक्स एक्स को इसके पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देंगे तो सिक्स स्क्वायर टू एक्स, दो या छ ये हो गया एक्स, तीन एक्स हुआ तो तीन एक्स। इसके बाद हम तुम्ही लोगों से पूछेंगे इसलिए देख लो, तीन दूनी छः एक्स स्क्वायर प्लस 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 तीन तिया नौ एक्स, घटेगा कट गया, दोनों समान चिन्ह है, माइनस दस एक्स माइनस पंद्रह होगा। अब पहला पद में पहले पद से भाग दो, माइनस दस एक्स में दो एक्स से भाग देंगे, एक्स एक्स कट गया, दो पंच दस माइनस पाँच आया माइनस बेस को दुरुस्त करो, तो सामने प्रेस पढ़ाता है सब कुछ, बेस नहीं आया तो कहीं का नहीं रहेगा। और मेरा अनुभव है किसी भी कोचिंग में कोई मान लो जिस क्लास में एडमिशन लेता है तो उसमें क्या दम है नहीं है, सीधे सिलेबस पढ़ाता है, विद्यार्थी का 12 महीना बर्बाद हो जाता है, घुसखोर रह जाता है, पैसा भी लग गया, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, एक साल टाइम चला गया, यह संपूर्ण इंडिया की बात है, शायद ही कोई बेस टेस्ट करता है, ये भी जान लो। तो बेस को दुरुस्त करो, शाम का क्लास नियमित रूप से करो, समझे। तो माइनस और प्लस माइनस, पाँच दूनी दस एक्स, माइनस प्लस माइनस पाँच तिया पंद्रह, चिन्ह बदलो कट गया तो आया तीन एक्स माइनस पाँच। मेरे विचार से तू लोग भागा सीख गया होगा, ठीक है। अगले पार्ट में हम कुछ लंबा भागा बतलाएंगे, पहले तू लोग एक दो ठो बना करके देखो।